गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा धन्यवाद भगवान जी का और उसके बाद में माता पिता का, उसके बाद में परिवार जनों का जिन्होंने साथ दिया इस बिजनेस को बिल्ड करने में, और सबसे ज्यादा और भी ज्यादा धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप सबके बिना ना ये लेवल होता, ना ये स्टेज होता, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। तो सबसे बड़ा धन्यवाद है। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जहां पर मैं खड़ी हूँ, अभी नवीन जी ने कहा है ना कि जहां मैं खड़ी हूँ ना, हाथ पकड़ करके यहाँ पर लेके आएंगे, बस आप विश्वास करो कि सिस्टम का स्टेज होकर आप लेके आएंगे। वाइफ थी, दोसा में पढ़ी बड़ी, हिंदी मीडियम से कुछ भी नहीं आता था, अच्छे घर में शादी हो गई तो खुश थी कि अच्छा कमाने वाला पति मिल गया, ख्वाहिशें सारी पूरी हो रही थी। लेकिन जैसा रेनू हमेशा कहती है कि अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, क्यों हमेशा पति ही बच्चों की फीस भरे, क्या एक लेडी में वो ताकत नहीं कि वो अपने बच्चों की फीस भर पाए। बच्चों की फीस तो मैं ही भरूं, कुछ ऐसा आए जिंदगी के अंदर, कुछ करूं बड़ा, कुछ चीज मिले। और जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तो मेरे ग्रेट अपलाइन जो अभी हम लोगों के बीच में नहीं है दोस्तों, लेकिन वो जहां भी है ना, हम सबको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, एक बार तालियां बजा लीजिए। एक लेडी है जिसके सर पे घूंघट और गोद में 2 साल का बच्चा, वो 70 लाख रुपए महीना कमा रही है। तो अपने आप से क्वेश्चन किया कि निशा गुप्ता ने को भगवान जी ने क्या कमी देके भेजी है कि वो ये सब नहीं कर सकती। और उसी दिन ठान लिया कि करके तो दिखाऊंगी, 70 लाख रुपए महीने का तो लाके दिखाऊंगी, उसी दिन कसम खाई थी। और आज 7 लाख रुपए महीने का तो आने लग गया, कैसा है जीरो जाना है। ग्लोबल प्लान आ चुका है मोदी केयर का, क्योंकि अब हमारा जो मोदी केयर है इंडिया में ही नहीं, अब लंदन में लॉन्च होने जा रहा है। 1 अप्रैल को वहां ऑफिसेस खुल जाएंगे, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, डॉलर भी आएंगे दोस्तों, और सारे वर्ल्ड की करेंसी भी आएगी हमारे देश में, क्योंकि धीरे धीरे सब जगह जा रहा है। तो ये 70 लाख नहीं, 7 करोड़ रुपए महीना भी आएगा। चलती रही, बहुत सारी नेगेटिविटी भी आई, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, मजाक भी बनाया, छोड़ के भी गए, लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म को झपट्टा मार के पकड़ा था, कभी जिंदगी में ना छोड़ने के लिए। तो फिर पता था, मुझे पता था मेरे जैसे लोग अवेलेबल हैं दुनिया में। अगर मैं कुछ सोच रही हूँ, मेरे सपने, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहती हूँ, तो दुनिया में मेरे जैसे लोग अवेलेबल है, बस ढूंढना मुझे पड़ेगा। और जैसे जैसे सारी चीजें आज बताई, उनको फॉलो किया, स्किल डेवलपमेंट किया कि कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे अपनी बात को रखना चाहिए, किस